दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। और आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट और आप जो कमेंट करते हो उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज एक नए टॉपिक पर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने दो दिन पहले ही एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है, एक नया रूल बनाया है कि उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो बच्चे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे ग्रुप की अलग अलग परीक्षाएं देते थे, उन बच्चों के लिए कॉमन जो है प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि उनको एक साथ ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो गाइज, ये है क्या चीज, दो चीजों का निर्माण किया है। पहला है सेट, सीईटी सेट, और दूसरा है एनआरए। अब ये एसईटी सेट और एनआरए क्या है? सीईटी सेट का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब गाइज, इन्हीं के तहत आपकी रेलवे और एसएससी और जो बैंकिंग की जॉब्स थी वो इन्हीं के थ्रू कंडक्ट कराई जाएंगी। पहले क्या होता था गाइज, देखिए कि अगर आपको रेलवे के अंदर जाना है तो रेलवे अलग से अपनी भर्ती निकालता था, चाहे वो बी ग्रुप की निकाले, चाहे वो सी ग्रुप की निकाले, चाहे वो डी ग्रुप की निकाले, वो रेलवे खुद अपना एग्जाम कराता था, खुद बच्चों को क्या है क्वालिफाई कराता था, मतलब टेस्ट लेके उनको ही क्या वो जॉब प्रोफर करता था। दूसरा गाइज, एसएससी काफी बहुत ही फेमस है, जो लोग जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो वो एसएससी के बहुत ही ज्यादा रूबरू होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक सेंटर लेवल के अंडर में आता है, जिसमें आपका दो लेवल पे एग्जाम होता था, एक तो 12th लेवल पर और दूसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पर। सेम ऐसा ही गाइज, जो बच्चे बैंकिंग के लिए इंटरेस्टेड थे आईपीपीएस के थ्रू, वो दो लेवल पर एग्जाम देते थे, पहला आपका 12th बेस पर और दूसरा आपका ग्रेजुएशन बेस पर। तो गाइज, अब ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है बच्चों के लिए कि अब आगे से बच्चा अगर कोई भी बैंकिंग में जाना चाहता है या एसएससी में जाना चाहता है या फिर वो रेलवे के किसी विभाग में अपनी पोस्ट चाहता है या फिर जॉब चाहता है, तो उसको अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब उसको क्या है, एक सेट देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब गाइज, इस चीज के फायदे की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज के कॉज एंड प्रॉन होते हैं। तो हम लोग पहले इसका फायदा और फिर इसके नुकसान की बात करेंगे, और गवर्नमेंट ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गाइज, थोड़ा फायदा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज की नेगेटिविटी नहीं होती, किसी चीज की पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। तो गाइज, इसका फायदा ये है कि जो बच्चे अलग अलग एग्जाम देते थे, बाई चांस कई बार क्या होता था कि रेलवे की कोई रिक्रूटमेंट निकली हुई है तो उसी टाइम बैंकिंग का एग्जाम आ जाता था, या एसएससी और बैंकिंग के दो एग्जाम तो ऑलमोस्ट क्लैश होते ही होते थे, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करें, तो इधर जाए तो कुआ, इधर जाए तो खाई। तो अब गवर्नमेंट ने उनके लिए अच्छा कर दिया है कि आपको सेट देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप रेलवे और एसएससी और बैंक में कोई भी जॉब आप चाहते हो सी या बी ग्रुप में, तो वो गवर्नमेंट क्या है, सेट के थ्रू आपका लेगी। ठीक है, अब आपको अलग अलग कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइज, इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका नुकसान क्या है? तो गाइज देखिए, नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसमें कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जिस बच्चे को बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना था, वो अपनी एसएससी की तैयारी करता था तो वहां पर कंपटीशन कम रहता था। अब जिस बच्चे को रेलवे में जाना था, वो एसएससी में कंपटीशन नहीं देता था ना वो बैंकिंग में देता था। अब सभी बच्चे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है 10-15% हाइक हो जाएगा। और जो बच्चे मीडियम कैटेगरी में आते थे, जिनकी नॉलेज या जो अपनी प्रिपरेशन करते थे, उनके लिए थोड़ा सा जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझसे ये भी पूछेंगे, सर ये गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या चाल है या क्या स्ट्रेटजी है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गाइस देखिए, दो चीजें होती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट आजकल वैसे ही फंड की कमी से जूझ रही है, और जब से मतलब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इसमें काफी बदलाव ये जो है लोगों को दिखाना चाहती है। अब इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट को तीन अलग टेस्ट ना करा के एक ही टेस्ट में क्या सब कुछ काम करा दिया। मतलब अगर रेलवे अगर अपनी वैकेंसी लेकर था तो उसको सेंटर चाहिए होते थे, उनको टीचर्स चाहिए होते जो ड्यूटी वगैरह देते थे, यानी कि जो तीन चीजें अलग अलग होती थी उनको कंबाइन कर दिया अपना खर्चे को कम करने के लिए। बट यहाँ पर स्टूडेंट की प्रिपरेशन को नहीं सोचा गया कि जिस बच्चे को अगर रेलवे में जाना था वो रेलवे की ही तैयारी करता था, जिसको एसएससी में जाना था वो एसएससी की तैयारी करता था। अब इसका सिलेबस क्या होगा, इसका खाका क्या होगा गाइस, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। अभी इसका कोई सिलेबस वगैरह कोई डिसाइड नहीं किया गया है, जस्ट अभी सेट और एनआरए को बनाया गया है।
तो गाइज ये आज की बहुत बड़ी खबर मैंने आपको बताई है। तो अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी बैंकिंग या फिर रेलवे के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ी सी कमर कस लीजिए, आपको थोड़ा सा और कंपटीशन मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी, जो आप ये जो आप सेट करोगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो 3 साल रखी गई है। जैसे कि आप टीचर का कोई एग्जाम देते हो, जैसे नेट होता है वो तो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, सी टेट वगैरह वो आपका 4 से 5 साल वैलिड होता है, तो गाइज ये आपका 3 साल वैलिड रहेगा। अब इसमें देखने वाली बात आगे ये होगी कि कितना प्रॉफिट, कितना बेनिफिट बच्चों को होता है या गवर्नमेंट को ज्यादा होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप इसके बारे में सीईटी सेट और एनआरए के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये चीज सही है या गलत है, आपको अच्छा होगा या बुरा होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज इसको लाइक कर देना, अगर और भी ज्यादा पसंद है शेयर कर देना, और बहुत ही अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, थैंक यू सो मच।